हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर की जगन्नाथ दर्शन यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। जगन्नाथपुरी मंदिर की तर्ज पर शास्त्रीय वाघों के साथ निकाली रथ यात्रा, कई स्थानों पर हुआ पूजन। जोधपुर में संत कृपा महोत्सव वर्ष के तहत सूर्य नगरी में गुरुवार को जगन्नाथपुरी मंदिर के तर्ज पर शास्त्रीय वाघों के साथ रथ यात्रा निकाली गई। इस जगन्नाथ दर्शन यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। शहर वासियों ने रथ यात्रा का कई स्थानों पर स्वागत और पूजन किया। संतों और धर्म गुरुओं के सानिध्य में निकाली गई यात्रा के दौरान रथ खींचने को लेकर पुरुषों के साथ ही महिलाओं में भी होड़ मची रही। सुरसागर बड़ा रामद्वारा के महंत राम प्रसाद महाराज ने बताया कि जोधपुर में सरदारपुरा स्थित गोकुलधाम गांधी मैदान में ज्ञान भक्ति और आस्था का संगम 51 दिवसीय भक्ति रस महोत्सव बुधवार को शुरू हो गया था। महोत्सव की कड़ी में गुरुवार को श्री जगन्नाथ दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रदेशों के 80 कलाकार शास्त्रीय वाघों के साथ रथ यात्रा में शामिल हुए। बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों और शहनाई वादन के साथ जगन्नाथ दर्शन यात्रा जालोरी गेट से पूजा अर्चना के बाद रवाना हुई, जो गोल बिल्डिंग सरदारपुरा बी रोड होते हुए गांधी मैदान पहुंची। रथ यात्रा की अग्रिम पंक्ति में महिलाएं बड़ी तादाद में मंगल कलश के लिए चल रही थी। जगन्नाथ यात्रा में पुरी के संत महंत पुजारी नृत्यकार और कीर्तनकारों ने भी भाग लिया। जगन्नाथ दर्शन रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के अलग अलग रथ थे। जगन्नाथ पुरी में होने वाले धार्मिक आयोजन की तरह मुख्य भगवान जगन्नाथ रथ को संतगण रस्सी के बल पर हाथों से खींच रहे थे, वहीं सुभद्रा के रथ माताएं और बहनों ने और बलराम का रथ युवाओं ने खींचा। जगन्नाथ रथ यात्रा का रास्ते में कई स्थानों पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। कई व्यापारिक और सामाजिक संगठनों की तरफ से रास्ते में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की गई। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।